कांवड़ यात्रा के रूट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट वाले फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। योगी सरकार के फैसले पर भाजपा के सहयोगी दलों में भी नाराजगी है, वहीं विपक्ष अब इस मुद्दे को आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस बीच नेम प्लेट की जगह हर दुकान पर योगी सरकार के खिलाफ वाले पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। जो पोस्टर दुकानों पर लगाए गए हैं या ठेलों पर लगाए जा रहे हैं, उनमें राहुल गांधी की तस्वीर बनी हुई है, जिस पर लिखा हुआ है मोहब्बत की दुकान, और उसी के ठीक नीचे योगी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा गया है नो हिंदू मुसलमान। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है, ये देश की गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला असंवैधानिक है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है, घृणित तरीका, और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। संसद में भी इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगी सड़क पर उतर के भी इसका विरोध करेंगे। बहुत सारे दलों ने भी आप लोगों का साथ दिया कि ये सरकार का फैसला वापस, सारा विपक्ष साथ है हमारे। ये ऊपर से ही संदेश आया गया है कि सबको अपना नाम रखना है, इससे किसकी मदद होगी, क्या ये वजह है, इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर में इससे किसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर चलता आ रहा था उसके तहत काम हो सकता था, लेकिन ये सिर्फ चिन्हित कर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और इसमें प्रशासन उनके साथ खड़ा है। योगी सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर दुकान पर अपना नाम और पहचान लिखे जाने का विरोध करते हुए कांग्रेसियों ने जगह जगह मोहब्बत की दुकान वाले ये पोस्टर चस्पा किए हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार का ये फैसला, इसका लगातार विपक्ष की तरफ से विरोध हो रहा है, और कई विपक्षी नेता इस फैसले के विरोध में खुलकर बोले भी हैं। वैसे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों को भी ये फैसला रास नहीं आया है। हाल ही में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इसके विरोध में बयान दिया था। के जाते हैं, उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं, ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता, और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना कभी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए, अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ का लगाओगे, अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम के देख के हाथ मिलाना। जिस तरह से कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर दुकान पर अपना नाम और पहचान लिखने का ये फैसला अब विपक्ष का मुद्दा बनता जा रहा है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस फैसले पर अब क्या एक्शन लेती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।